हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान बुटीक में। दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं ट्यूलिप सलवार की कटिंग। इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बताने वाले हैं। आप बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद, और फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसकी स्टिचिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वीडियो लंबी हो जाती है इसीलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बॉटम है 6.5 इंच, हिप है 42, वेस्ट है 34, थाई है 26। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये कपड़ा हमने लिया है, ये 2.25 मीटर है, इसी से हम कटिंग करेंगे। दोस्तों ये इस तरह से कपड़ा लेना है, ये बंद साइड जो है अपनी साइड रखनी है और इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये इस तरह से फोल्ड करना है दोस्तों, और इस पल्ले को इधर उठा के रखना है। ये देखिए हमने डबल फोल्ड कर रखा है कपड़ा डबल तय में, और इसको इस साइड से फोल्ड करना है। अगर आपके कपड़े में सलवट आ रही है तो प्रेस कर लें। ये इस तरह से फोल्ड करना है और ये वाला पल्ला उठाकर इस साइड रखना है इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों इस तरह से फोल्ड करके रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखना है दो उंगलियों का, पूरा बराबर नहीं मिलाना है, और यहाँ से ये 2 इंच का गैप रखना है। ये देखिए, ये हमने 2 इंच का गैप रखा हुआ है यहाँ पे, इस तरह से इसको छोड़ना है। दोस्तों यहाँ से हम 1.5 इंच माइनस करके निशान लाएंगे 36.5 इंच पे, क्योंकि हमारी ये 1.5 इंच की बेल्ट ऊपर रहेगी लास्टिक के लिए, तो हम 1.5 इंच माइनस करेंगे यहाँ पे 36 इंच पे नाप निशान लगाएंगे। इसी तरह से गुलाई में निशान लगाना है, इंचिटे हिलना नहीं चाहिए इस तरह से। यहाँ से इसको कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसका आसन का फॉर्मूला निकालेंगे। हिप है 42, 42 को 4 में डिवाइड करेंगे आसन का फॉर्मूला निकालने के लिए। तो 42 को 4 में डिवाइड करते हैं तो 10.5 आता है। 10.5 में 2 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11.5 इंच। अब 11.5 इंच में फिर हम बेल्ट के लिए 1.5 इंच माइनस करेंगे और यहाँ पे 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, और इसको यहाँ से 1.5 इंच करीब इस तरह से लेंगे, अंदर की साइड निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। स्केल की मदद से सीधा निशान लगाएंगे और यहाँ पे इसको राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। ये हमारा आसन है, इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए, और यहाँ से भी हम हल्की सी नीचे से गुलाई दे देंगे। ये देखिए,
अब हम इसको खोल कर रखेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब हम इसको, ये जो बंद वाली साइड है इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग होगी। अब हम इसको खोल के इस तरह से रखेंगे। दूसरा पल्ला इस साइड रखेंगे इस तरह से आमने सामने। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी पैंट कटिंग हो चुकी है ट्यूलिप सलवार इस तरह से। अब हम इसकी बेल्ट कटिंग करेंगे। दोस्तों, बेल्ट कटिंग करने के लिए हिप का नाप ज़रूरी है। हिप है इसकी 42, तो उसमें 2 इंच प्लस करेंगे, फिर उसको क्या कहते हैं उसका आधा कर लेंगे। 44 का आधा 22 होता है, तो हम 22 इंच की बेल्ट कटिंग करेंगे हाफ इंच मार्जिन लेकर। 1.5 इंच हमारी इलास्टिक है, तो इसमें 2 इंच और प्लस करेंगे फोल्ड करने के लिए, तो 3.5 इंच की बेल्ट हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर 3.5 इंच निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारी बेल्ट कटिंग हो गई है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी पैंट कट चुकी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलना। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। आज के लिए इतना ही था। इसके स्टिचिंग की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी आपको। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।